Hello students, so today we are going to start with the kingdom fungi. Kingdom Monera and kingdom Protista humne kar liya tha. Ab hum fungus wala kingdom shuru karne ja rahe hain. Now fungi ke bare mein aapko bahut si cheeze hain jo interesting hai, bahut zyada interesting hai, wo aapko pata chalne wali hain. And ultimately the answer to the question that why kingdom of fungi is regarded as a separate kingdom. ठीक है, सो शुरू करते हैं. किंगडम फंजाई, यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. इट इज अ वेरी यूनिक किंगडम. दे आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन एज मोनेरा. एज यू न्यू दैट मोनेरा जो है, मोनेरा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर एंड एवरीवेयर इन एवरी प्लेस. थस फंजाई के भी ऐसे ही कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिज्म है. दे ऑल्सो आर फाउंड एवरीवेयर इन अवर यू नो इन अवर एनवायरमेंट एंड इन अवर सराउंडिंग्स एवरीवेयर. दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल रेड मोल्ड, ऑरेंज रॉट, मशरूम, टॉडस्टूल्स एक्सेट्रा. अब देखो, एक यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लिख दी है वार्म एंड ह्यूमिड. ठीक है, कोई इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी. जस्ट सी वन थिंग, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द ब्रेड मोल्ड. ब्रेड को अगर बाहर रख दिया जाए, ठीक है, बाहर क्या होता है, बाहर होता है फेवरेबल टेम्परेचर. जो टेम्परेचर होता है हमारे इन्वायरमेंट में, दैट इज वेरी फेवरेबल फ्रिज के बाहर बेसिकली. एंड जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है ना, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस बोथ इन विंटर्स एज वेल एज समर्स. विंटर्स में थोड़ा सा कम हो सकता है एंड समर्स में थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट रूम के अंदर वाला, घर के अंदर वाला जो टेम्परेचर होता है, दैट इज ऑलवेज नियर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन है वार्म एंड एक कंडीशन है ह्यूमिड प्लेसेस. अगर आपके मदर ने खाना बनाया, समर है, तो वो खाना फ्रिज में रखना पड़ेगा. अगर नहीं रखा तो वो खराब हो जाएगा थोड़ी ही देर में. ठीक है, बट इन केस ऑफ विंटर्स यू कैन कीप द फूड आउटसाइड फॉर लॉन्ग टाइम, लाइक अबाउट 6 आवर्स. व्हाई? बिकॉज द प्लेस, बाहर जो होती है सर्दी, विंटर्स में क्या होती है, ज्यादा होती है एंड द टेम्परेचर इज वेरी लो. दैट्स व्हाई फंगस का जो एक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है एंड हमारा खाना जो है बाहर ठीक पड़ा रहता है. अगर बट इन द केस ऑफ समर्स में बिल्कुल उल्टा होता है, चीज कोई भी है रात में खराब हो जाती है बाहर पड़ी हुई. ऑरेंज रॉट इज द डिसीज ऑफ ऑरेंजेस. जिसको फंजाई लग जाते हैं तो फ्रूट्स क्या है, खराब आते हैं. Next thing is mushroom. Mushroom is also a kind of fungi. Now toadstool एक kind का mushroom होता है, that is toxic. ये जहरीला mushroom होता है. Then mustard leaf के ऊपर भी white spots जो आ सकते हैं, that is also a fungal disease. हमने पढ़ा है कि fungi जो है, that is saprotrophic as well as parasitic. Yes, it causes diseases also and it helps in decomposition also. Now, some fungi are the sources of antibiotics. Example, penicillium. Penicillium एक kind की fungi है. इसको हम as दवा use करते हैं. It is a medicine. Medicine basically antibiotic. Antibiotic मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई भी ऐसी जीवित चीज जो बाकी जीवों को अपने आसपास grow करने से रोकती है, that is antibiotic. Some are unicellular fungi, yeast. Yeast का हमने example first chapter में किया हुआ है, that yeast is a unicellular fungi and are used to make bread and beer. इसको हम baker's yeast and brewer's yeast भी बोलते हैं, because yeast जो है बेक करने के एंड बियर बनाने के काम आती है, ब्रू करने के एंड बेक करने के काम आती है बेसिकली. The other fungi causes diseases. For example, Pakshinia. Pakshinia is a disease that causes the disease of wheat rust in the wheat plant. ये है हमारा पेनिसिलियम.
पेनिसिलियम खुद तो ग्रो करता है, खुद ग्रो करता करता बाकी सारे बैक्टीरिया को, बाकी सारी लाइफ की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट कर देता है। इसी टाइप की मेडिसिन को बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, अगर किसी को कोई बैक्टीरियल डिसीज होती है बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ताकि वो जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं वो सारे मर जाए हमारे अंदर से, मरते नहीं है बेसिकली कम हो जाते हैं, बिकॉज कम होने से बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो खत्म हो जाता है, इन्फेक्शन का जो एक्सटेंट है वो भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज यीस्ट। यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई, ये हमने पढ़ा है, एंड दिस इज अ पक्षीनिया। पक्षीनिया क्या करता है, ये देखो वीट प्लांट के ऊपर डिसीज कॉज कर रहा है। नाउ एक्सेप्ट यीस्ट, जो मल्टी सेलुलर सारी फंजाई है, दे आर फिलामेंटस, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वेट, यहाँ पे ये एक्सेप्ट यीस्ट फंजाई आर फिलामेंटस, मतलब ये फिलामेंट्स में ग्रो करती है एंड इनके एक स्ट्रक्चर को हम हाइफा बोलते हैं, मतलब फिलामेंट का जो पार्ट है दैट इज नोन एज द हाइफा एंड पूरे स्ट्रक्चर को हम हाइफा बोलते हैं। दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर बेसिकली, लेट मी शो यू, ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है दिस होल इज नोन एज अ हाइफा एंड द पार्ट ऑफ इट इज नोन एज हाइफा एंड ये सारा जो क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना दैट इज बेसिकली अ माइसीलियम। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसीलियम। नाउ हाइफा जो है फंजाई में, हाइफे बेसिकली दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दे आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर filled with multinucleated, as you can see that serocytic में basically ये tube है and इसमें कोई भी division नहीं है, बहुत सारे nucleases हैं, but in the case of septate के केस में ये वाली जो चीज है that is the septa। septa क्या कर रहा है, septa separate कर रहा है different parts of the hypha को, इसको बोलते हैं septate hypha and serocytic hypha, okay? They have septate and cross walls. Fungal cell wall is made up of chitin and polysaccharides. Fungal cell wall है जो that is made up of chitin, ये एक बहुत ही unique feature है kingdom fungi का। Kingdom fungi के सारे organisms की cell wall chitin की बनी होती है, यही इनकी पहचान है। That is a unique feature of fungi. Next thing is that fungi जो होती है that is basically either saprotrophic or parasitic, ठीक है? Bacterias भी saprotrophic और parasitic होते हैं, but bacterias are prokaryotic and fungi are eukaryotic. अब आप बोलोगे कि protist और fungi में कैसे difference करेंगे? Fungi में only एक ऑर्गेनिज्म है दैट इज यीस्ट, दैट इज यूनिसेलुलर, बाकी सारे क्या है, मल्टीसेलुलर है, एंड उससे भी ऊपर अगर आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलरिटी नहीं देखनी तो काइटिन इज द मेन थिंग दैट इज यूनिक टू फंजाई। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइट्स, एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। कोई भी डेड चीज है उसमें से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज सेप्रोफाइट, ऑर्गेनिक मैटर है उसको डेड एंड जो डीकम्पोजिंग है उसको क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब करके उसको सोलुबलाइज कर देते हैं। सोलुबलाइज बेसिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। सम आर पैरासाइट्स, सम आर सिम्बायोन्ट्स। हाँ, पैरासाइट्स होते हैं जो हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, सिम्बायोन्ट्स उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। ठीक है, सिम्बायोन्ट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन एसोसिएशन विद एनी अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत ही अच्छी एक एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ लाइकन। लाइकन है ना, ये लाइकन की फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग है कि ये नॉन पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करते हैं। अगर लाइकन कहीं पे आपको दिख जाए ना तो मतलब कि वो एरिया जो है दैट इज टोटली नॉन पॉल्यूटेड, वहां पे पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है,
ठीक है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ नॉन पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट जहां पे लाइकेंस होते हैं. माइकोरियाजे, माइकोरियाजा आर दोज दैट ग्रो ऑन द रूट्स. ये रूट है बेसिकली, रूट्स के ऊपर फंजाई ग्रो कर रहे हैं, दिस इज द माइकोरियाजा. लाइकेन में भी जो फंजाई है वो फूड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काम करती है फंजाई. और अगर रूट्स में प्रेजेंट है तो भी वो वाटर एंड मिनरल सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, यही काम है फंजाई का. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार. रिप्रोडक्शन इन फंजाई दैट कैन बी वेजिटेटिव बाय सेक्सुअल स्पोर्स एंड बाय सेक्सुअल स्पोर्स. सेक्सुअल, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेसिकली ये मतलब है कि वो स्पोर्स के बिना अगर किसी और टाइप से रिप्रोड्यूस करी है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर फंजाई फ्रेगमेंटेशन तोड़ के फुल अपना ऑर्गेनिज्म बना रही है तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन. अगर फंजाई फिशन कर रही है तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ठीक है, मतलब स्पोर्स नहीं बन रहे. सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो मियोसिस करके बनते हैं एंड उनकी फ्यूजन जरूरी होती है. डिफरेंट स्पोर्स रिक्वायर फ्यूजन, दे आर सेक्सुअल स्पोर्स. एंड ए सेक्सुअल स्पोर्स है जो ऐसे ही बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, दे जस्ट नीड अ प्रॉपर मीडियम या सबस्ट्रेट जिसके ऊपर वो बैठने के बाद फुल ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन है, फिशन है, बडिंग है. Then conidia, sporangiospores and zoospores. These are kinds of mechanisms that are asexual basically. But fragmentation, fission and budding को हमने अलग category में ले लिया of vegetative propagation. क्योंकि conidia, sporangiospores and zoospores are different from the sexual spores and they are grown with the help of mitosis. इसलिए उसको बोल दिया reproduction by asexual spores. And जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, दैट इज बेसिकली ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स. ठीक है, ये याद रखना बहुत जरूरी है कौन कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स हैं एंड कौन कौन से सेक्सुअल स्पोर्स हैं. बेसिकली क्वेश्चन इसी पे पूछे जाते हैं. नाउ टू द फ्रेगमेंटेशन. आपको पता है फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में एक फ्रेगमेंट टूटता है, एक ऑर्गेनिज्म है वो दो फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है, दो फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद वो फुल ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, फिशन, देखो फिशन बेसिकली फिशन और बडिंग होती है यीस्ट में, बिकॉज यीस्ट इज यूनिसेलुलर. फिशन में क्या होता है, एक सेल दो डॉटर सेल में फॉर्म कर लेता है, दैट इज बाइनरी फिशन. फिशन में जो डॉटर सेल्स बनते हैं दोनों, दे आर टोटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल और उनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं. बड में क्या होती है, बड में भी इनग्रोथ और मे बी आउटग्रोथ. बड बेसिकली क्या करती है, एक आउटग्रोथ होती है जो बाहर से उग जाती है. जब एक बड टूट जाता है एंड सेपरेट हो जाता है अपने मदर सेल से, तो वो भी एक प्रॉपर प्लांट या प्रॉपर फंगल बॉडी बना लेता है, बिल्कुल रिजेंबलिंग द मदर सेल्स. ठीक है, चाहे फ्रेगमेंटेशन है, चाहे फिशन है, चाहे बडिंग है, तीनों के केस में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा दैट विल बी अ टोटल क्लोन ऑफ द पेरेंट्स. ठीक है, पेरेंट्स के क्लोन फॉर्म होंगे. तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टॉपिक. बाकी के टॉपिक हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में.